दोस्तों, कई लोगों को मीठा खाना बेहद पसंद होता है। वे जहाँ भी कुछ मीठा देखते हैं उनका मन ललचा जाता है और वो उसे खाए बिना नहीं रह पाते। हर किसी को पता है कि ज़्यादा मीठा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर बेचारे वे लोग क्या करें जिन्हें मीठे से प्यार है। लेकिन मोटापा घटाने के चक्कर में इससे दूरी बनानी पड़ती है। मीठा तो मधुमेह रोगियों के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। एक्सपर्ट की बात माने तो कुछ 7 चीज़ें ऐसी हैं जो मीठे की तलब को कम करती हैं, जैसे शहद या गुड़। मीठा कम खाने की शुरुआत हमें अपनी चाय और कॉफ़ी में शक्कर डालने की आदत से करनी पड़ेगी। आप चाय या कॉफ़ी के जरिए इतनी शक्कर पी जाते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं चाय और कॉफ़ी में आप शक्कर की जगह क्या मिक्स कर सकते हैं। चाय के 1 कप में सफ़ेद शक्कर की जगह ब्राउन शुगर मिलाने पर यह स्वास्थ्यवर्धक होती है। ब्राउन शुगर में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन आदि, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और बीमारियों को दूर रखते हैं। खजूर को मधुमेह रोगी भी खा सकते हैं। इसे या तो पीसकर खाया जा सकता है या फिर इसका सिरप बनाकर चाय या कॉफ़ी में डालकर सेवन किया जा सकता है। 1 चम्मच शहद 1 चम्मच शक्कर की जगह काफ़ी बेहतर है। शहद ना केवल हृदय बल्कि मोटापे को घटाने के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, घिसा हुआ नारियल चीनी की जगह पर खाया जा सकता है। हालांकि आप नारियल को चाय में शक्कर की जगह तो नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन इन्हें किसी मीठी डिश में मिठास भरने के लिए डाल सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो कोशिश करें कि फ्रूट जूस का सेवन किया जा सकता है। इसमें काफ़ी पोषण होता है जो कि वाइट शुगर से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो शक्कर की जगह गुड़ डालकर चाय या कॉफ़ी बना सकते हैं, यह आपके हृदय और रक्त के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, मेमल सिरप यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा होता है और वजन भी कम करने में मदद करता है। आप चाहें तो इसे ब्रेड स्लाइस पर लगा कर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जो आप शक्कर की जगह प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेरे अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।